दोस्तों तो कैसे आप लोग, मैं हूँ आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल क्रिकेट 22 गेम का फुल वर्जन लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। तो उसका आज की इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ कि फुल वर्जन लॉन्च हो चुका है उसका, आज की इस वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल के साथ आपको बताने वाले। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो मन तक बन रहेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये बात तो सच है कि रियल क्रिकेट 22 गेम का जो है वो फुल वर्जन लॉन्च हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ क्रिएटर ये बोल रहे हैं अभी भी फुल वर्जन को लॉन्च होने के बाद भी ये बोला जा रहा है यूट्यूब के ऊपर कि फुल वर्जन रिलीज डेट कब होगा, कि फुल वर्जन कब तक रिलीज होगा, इसके ऊपर वीडियोज बन रहे हैं। तो उनको अता पता कुछ होता नहीं है, बस अपनी तरफ से अपनी बकवास करते रहते हैं वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ पता चलने वाला है कि फुल वर्जन आया है या नहीं आया। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि रियल क्रिकेट 22 का जो फुल वर्जन है वो प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो चुका है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर सामने देख सकते हैं कि रियल क्रिकेट 22, इसके सामने ये ब्रैकेट में बीटा लिखा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसका जो वो बीटा ज्वाइन किया हुआ है। ये एक्सटर्नल बीटा है, ये इसको आप कभी भी लीव कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से करना है। अभी देखिए यहाँ पर नीचे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए URA बीटा टेस्टर ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए लीव का नीचे ऑप्शन है, तो लीव मैं जैसे ही यहाँ से लीव कर दूंगा तो उसके बाद ये देखिए लीव कर दूंगा उसके बाद ये लीव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए पीछे जो बीटा है वो यहाँ से रिमूव गायब हो गया। तो उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद फिर से आपका जो बीटा है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सटर्नल बीटा है, कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप इसको यहाँ से जो है वो निकल सकते हैं बीटा वर्जन से बाहर। यहाँ पर नीचे भी लिखा रहा है कि URA बीटा टेस्टर फ्यूचर अपडेट विल इंक्लूड बीटा वर्जन, यानी कि जो यहाँ पर आप जो है वो बीटा टेस्टर है आपको जो अपडेट है वो जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बीटा वर्जन का आपको ये समझा दिया कि क्यों लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट के अंदर बीटा। अब ये होप है कि आप समझ गए होंगे। अभी आपको ये बताता हूँ कि फुल वर्जन लॉन्च हुआ है। अभी देखिए फुल वर्जन लॉन्च हो चुका है। अगर गेम यहाँ पर देखिए गेम की तब तक रेटिंग शो नहीं होती, यहाँ पर देखिए रेटिंग भी शो हो रही है गेम की, तो कोई भी गेम है या फिर कोई भी एप्लीकेशन है तो उसकी रेटिंग तब तक शो नहीं होती जब तक वो गेम फुल वर्जन में नहीं आता। तो जब तक गेम बीटा वर्जन के अंदर रहेगा इसकी रेटिंग शो नहीं होगी। अभी देखिए इस गेम की रेटिंग भी शो हो रही है, साथ में सारा कुछ शो हो रहा है, नीचे में रिव्यूज वगैरह भी शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गेम का फुल वर्जन जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है। अब आप ये सोचोगे कि कब आया, कोई भी अपडेट वगैरह तो देखने को नहीं मिला, आपको कैसे मिला यहाँ पे फुल वर्जन। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फुल वर्जन जो पिछला जो अपडेट आया था 10 अगस्त को जो कि अपडेट आया था बग फिक्स का, उसके अंदर ये जो गेम है जब iOS के अंदर गेम लॉन्च हुआ तो वहीं पर इसका जो वो फुल वर्जन आ चुका था। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि फुल वर्जन तो आ गया लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ नया फीचर तो दिया नहीं, सिंपली यहाँ पर गेम का जो वो ग्लोबली फुल वर्जन के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके पीछे भी कुछ यहाँ पर रीजन होगा, क्या पता आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको मेगा अपडेट देखने को मिल जाए जिसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर, आपको न्यू स्टेडियम, न्यू कमेंट्री देखने को मिल जाए, जो कि आपको सभी को पता है कि अभी 2 कमेंट्री आने वाली है गेम के अंदर, क्या पता वो दोनों कमेंट्री आपको देखने को मिल जाए और भी अच्छा बीटा जो है मेगा अपडेट आपको देखने को मिल जाए आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन इस मंथ के अंदर अभी कोई भी अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो भी अपडेट आएगा, मेगा अपडेट होगा या छोटा अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा वो आपको अगले मंथ के अंदर देखने को मिलने वाला है। अभी कोई भी अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब फुल वर्जन तो लॉन्च हो गया, अब आप ये सोचोगे कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना स्कोर अपडेट हुई ना ही कुछ और चेंज हुआ। तो आपको बता दूँ कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि बीटा वर्जन और फुल वर्जन के अंदर कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम गेम प्ले रहेगा। तो अभी वहाँ पर कुछ यहाँ पर व्यूवर्स मुझे बोल रहे थे कि फुल वर्जन तो चेंज होना चाहिए, फुल वर्जन तो चेंज होगा, आप यहाँ पर अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं कि फुल वर्जन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तभी देखिए फुल वर्जन लॉन्च हो चुका है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर स्क्वाड अपडेट नहीं हुई है फुल वर्जन के अंदर, लेकिन स्क्वाड अपडेट जो है वो अगले नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है उसके अंदर जो है वो स्क्वाड अपडेट आपको जरूर से जरूर देखने को मिलने वाली है। अभी से मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ कि आने वाला जो अपडेट है जो कि आपको काफ़ी लगभग 20-25 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये जो स्क्वाड अपडेट है वो सारे अपडेटेड जो है वो स्क्वाड देखने को मिल जाएंगे उस अपडेट के अंदर। तो गेम फुल वर्जन के अंदर लॉन्च हो चुका है, यही बताना था सिंपली इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।